व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ रोज गेमर्स। आज हम लोग एक और बार खेलने जा रहे हैं एक और नया गेम, जिस गेम का नाम है इविल नन 2। हम लोगों ने इविल नन 1 को खेला ही होगा और आप लोगों ने उसका वीडियो देखा भी होगा, उसकी पूरी सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट करी है। तो फिर आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इविल नन 2। तो चलो यारो, इसमें इविल नन का जो मतलब पहले का मेकअप और अभी का मेकअप कुछ अलग है, तो देखना पड़ेगा भाई। इसमें उसके पास कुछ तीन चिकन्स भी होते हैं, कुछ कुछ नाम होते हैं, एक का नाम मुझे कुछ याद है कमी करके, वो तो भाई उसके साथ ही घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हम लोग इसको इजी मोड पे रखते हैं और अभी फटाफट प्ले करते हैं और चेक करते हैं कैसा सीन क्या सीन है और कैसे हम लोगों को इसको एस्केप भी करना होगा। इसके पूरे स्कूल से एस्केप होता है डायरेक्टली फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रो वगैरह शो करा रहे हैं, तो अभी इसको स्किप कर दूँ तो छोड़ो, अभी इसको स्किप नहीं करते। इससे हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ये गेम का क्या सीन है, कहाँ से एस्केप हो और ये कौन है भाई। एक सेकंड, ये इविल नन है भाई, इसका चेहरा तो देखो भाई, पिछले वाले में कुछ ऐसा दिखता था और अभी कुछ भाई मतलब अलग ही चेंज कर दिया भाई, बिफोर अफ्टर लुक कुछ अलग ही दिखा रहे हैं भाई इसका। और यहाँ पे ये कुछ जगह है, ये कुछ गार्डन टाइप जगह है, मुझे कहाँ पे तो कुछ तो कहते कहते ये कौन सा सॉन्ग बज रहा है बैकग्राउंड में पता नहीं है भाई। इसको मैं बैक में थोड़ा कम आपको सुनाई दे रहा हूँ, क्या मतलब कॉपीराइट पे आ सकता है। ये वाला वही रूम है सिस्टर मेंटाइन वाला, जो कि पिछले वाले में हम लोग को ये वाली डिजाइन का रूम, और ये इविल नन अभी वही रूम में जा रही है। ये इविल नन ही है ना यार वैसे तो, बिना पूरा मतलब किया ना अभी शांत बैठ के इसका पूरा मतलब पूरा एकदम कि क्या सीन है और क्या नहीं होने वाला है। अभी इविल नन बैठी है यहाँ पे और अभी ये कुछ किताब पढ़ रही है, इसको वैसे दूसरी किताब को अच्छी लगती भी नहीं होगी, इसको वो मैजिक जादू वाली। और यहाँ पे फोटो है तो माँ और एक बेटी है जो जिसका कि फोटो जल गया और इविल नन सर को हाथ लगा कि ये क्या सीन है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस शांति से सुनने वाला हूँ अब। ओ भाई ये क्या सेकंड भाई, ये क्या सीन है, इविल नन ने दरवाजा बंद कर दिया कुछ गुस्से से और ये अभी एक अलग रूम में जा रही है और वो फोटो जल के पूरा राख खाक हो गया और ये अभी एक दूसरे रूम में आ चुकी है। इसका कुछ इंटरफेस जो अपना स्टार्टिंग में था वैसा, और ये किसको तो चिल्ला रही है और वो और कोई नहीं भाई, हम लोग ही है जो कि यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। और ये इतनी भाई बदतमीजी से इसको क्या बता रही है कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ पे एक शटर है जिसको किसने ओपन करा, जहाँ पे ये ही होता है जो कमी बीच में बैठा है वो, और ये जो दो दूसरे देख रहे हो क्या ही मसल्स बॉडी है भाई, इसने कुछ तो शक्ति वाला राक्षस विक्षस बना दिया है। मुर्गे नहीं लग रहे राक्षस लग रहा है भाई, मेरी तो पट गई लोगों को देख के भाई, दो दो मुंडी और कैसी अजीब सी शक्ल के भाई। वो देखो थर्ड वाला जो लास्ट में बैठा उसके तो सिक्स पैक्स है भाई, और ये तो लंबी भाई नाच रहे क्या कर रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी हो भाई बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और अपना भी गेम स्टार्ट हो जाएगा मुझे यहाँ तक लगता है, ओके तो अपना गेम अभी स्टार्ट होने वाला है मुझे लग रहा है। और भाई बहुत ही खतरनाक इंट्रो दिखा रहा है, ओके तो अपने कंट्रोल में अपना गेम आ चुका है और ये वही डॉल है जो इंटरफेस में दिखाई थी स्टार्टिंग में गेम के वही। और अपन कुछ एक जादू होने वाले पैम्पलेट पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ तो वेपन पीस है जिसको कि मैं उठा लेता हूँ, और यहाँ पे ये एक डॉल है जिसको कि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, और ये वाला डोर ओपन नहीं हो रहा है। फर्स्ट फाइंड द सीक्रेट पैसेज टू कम्प्लीट द ट्यूटोरियल, यहाँ पे ये क्या है मूव, ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे मूव का प्रीज एंटायर एंड इन, ओके तो ये एक पैसेज है क्या, यही तो नहीं है भाई सीक्रेट पैसेज, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है। आई नीड अ एस्केप, तो यहाँ पे अभी ये गलती से कुछ बटन दब गया था और यहाँ पे अभी मैं फिर से बाहर जाता हूँ और चेक करता हूँ अभी ये डोर ओपन हो रहा है क्या, ये डोर हम लोग कुछ काम का लग रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे पूरा खाली है। और यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है पेपर विद समथिंग, और एक कोड था जो कि मैंने रीड कर लिया है। और यहाँ पे ड्रॉर्स है जो कि अभी चेक करते हैं पूरे के पूरे कि इसके अंदर कुछ मिलने वाला है कि नहीं, तो यहाँ पे इसको भी चेक करो। और भाई साहब यहाँ पे तो इविल और उसका वो जो गमी चिकन होता है वो सोया है, और ऊपर कुछ एग्स थे जिसको कि मैं ले नहीं सकता। आई नीड द एक गन, तो मुझे एक गन चाहिए रहेगी, एक गन चाहिए। और यहाँ पे एक कारपेट हटा के मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ, एक सेकंड, ओके तो मुझे हैंड पे क्लिक करना था और गो डाउन अपने आप में नीचे आ चुका उतर के। यहाँ पे अभी मैं एक अंडरग्राउंड रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत सारे मतलब जाने के रास्ते जिसको कि लीवर लगा हुआ है, और ये लीवर को मैं अपना ऊपर का दे रहा हूँ। और ये अभी एक रास्ता खुल चुका है, कौन सा, चर्च का, ओके तो मैंने चर्च का लीवर ऊपर करके इसको ओपन कर दिया। और यहाँ पे अभी नीचे मुझे मतलब इविल नन का ऊपर से आवाज आ रहा है, पर क्या बताओ नीचे आ सकती है कि नहीं, हम लोगों ने जब सीवर स्किप करा था तो आ सकती है, तो इसमें भी वो आ सकती है। यू कैन यूज दिस आइटम यार, तो ओके तो मुझे यहाँ पे कुछ लीवर टाइप लगाना पड़ेगा लाके, या कुछ तो करना पड़ेगा क्या बताओ, कुछ सीख मतलब पता नहीं है। और यहाँ पे
क्या था मैंने पढ़ा नहीं ना ऊपर का, ये वाला तो मैंने खोल दिया, हाँ ये वाला खोल दिया। और यहाँ पे वेपन पीस है, यहाँ पे एक और लीवर है जिसको कि मैं ओपन कर देता हूँ, मतलब कि पूरे रास्ते खुल जाएंगे। और ये क्लासरूम है, ओके तो ये क्लासरूम है। और यहाँ पे एक पेंटिंग बनी थी, एक सेकंड, पेंटिंग यहाँ पे गई अभी यार मैंने अभी, ओके तो यहाँ पे एक पेंटिंग बनी है जो कि क्राफ्ट वेपन, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया और ये यहाँ पे लगने वाला था। और अभी मुझे कुछ ये लगा देना यहाँ पे ऐसे क्राफ्ट वेपन, और ये एक गन बन चुकी है। अभी मुझे लाग से ऊपर से जाके एक लाने पड़ेंगे, पर अभी मैं एक लाने नहीं जाने वाला हूँ। मैं नीचे जो अपने लीवर से ये ओपन करा है, ये वाला एटिक का खुला नहीं है तो इसके लिए सॉल्ट मतलब स्लॉट खाली है, तो इसमें कुछ तो ला के लगाना पड़ेगा। पर सबसे पहले हम लोग अभी क्लासरूम में जाने वाले और चेक करने वाले हैं यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पे दिस इज वॉर लिख के आ रहा है, नीचे कुछ आया है वगैरह वगैरह लिख के आ रहा था। और अभी हम लोग एक टनल से निकलने वाले हैं, ओके तो हम लोग एक टनल से निकले हैं जैसे अपने आइसक्रीम मैन और इविल नन में होते ही है वैसे वाले। और यहाँ पे एक ट्रैप डोर है जिसको कि मैं सेकंड वाले को ओपन करके बाहर निकल जाता हूँ। अभी फटाफट हम लोग आ चुके हैं टॉयलेट के थ्रू बाहर, और अभी मैं डोर खोलता हूँ और मुझे अभी यहाँ से ये वाले डोर से बाहर निकलना चाहिए। ये वाले डोर को मैंने ओपन करा और अभी हम लोग ये वाले साइड से निकलू कि ये वाले साइड से तो फिर से टॉयलेट ही है, और ये वाले साइड से क्लासरूम टाइप एरिया है तो यहाँ से अभी मैं निकलने वाला हूँ। और यहाँ पे भी एक ट्रैप डोर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए लैडर्स बनी है, सीढ़ियाँ, तो यहाँ से अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ओके कोई है क्या भाई, तो यहाँ पे कोई नहीं है। अभी हम लोग फाइनल ऊपर भी आ चुके हैं क्लासरूम में, क्या बढ़िया मस्त कलर वगैरह पेंटिंग वगैरह करा रखी है। और यहाँ पे कुछ लॉकर थे भाई, और यहाँ पे ये पीछे पड़ गया, फटाफट डोर खोलते हैं। ओके 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 तो मैं इसे छुटकारा भी पा सकता हूँ, इसको हम लोग ऐसे थप्पड़ लगा के गिरा भी सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था, अभी क्लिक कर रहा था अभी पता चला। और अभी भाई ये कैसे आ जाता है एकदम फटाक से, पता भी नहीं चला, पर इसको भागने का आवाज कुछ अलग है। यहाँ पे अभी बहुत सारे बेंचेस भी है जिसको कि मैं ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्यों आ रहा है यार मेरे पीछे इविलन के चपचा, यहाँ पे क्यों आ रहा है इविलन भी यहाँ पे, मतलब क्या आती होगी। और इविलन का कुछ मुझे साउंड अभी तक सुनाई भी नहीं दिया वैसे तो, पर अभी मैं पक्का फंसने वाला था भाई, बच गया मैं। एक दो और बेंचेस बाकी है, उसको चेक कर लूंगा तो मैं भाग जाऊंगा आराम से, क्योंकि भाई ये मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये मतलब मार के रहेगा मुझे लग रहा है अभी। और यहाँ पे फिर से पकड़ लिया, मैं फंस गया हूँ, कुछ आ गया था बीच में। और अभी इसको मैंने एक फटका फिर से लगा दिया, और ये वाला तो मैंने ओपन करा था, कौन सा वाला, हाँ ये वाला नहीं करा था, इसको मैंने ओपन करा, और मुझे हाँ ये वाला भी मैंने नहीं करा था, और इसके अंदर मुझे कुछ नहीं मिला। और ये भाई फिर से जिंदा हो गया, और इसके अंदर कुछ तो है, ड्राइंग बाय रैबिट या पेंटिंग कुछ तो था। और अभी आजा बेटा समझ गया हूँ तुझे, यहाँ पे ये लिया, इसको भुक्का मार दिया और ये फिर से गिर चुका। और यहाँ पे क्या था, ड्राइंग बाय रॉबर्ट वॉल्डर, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे कुछ तो है यहाँ पे, पर ये उठा भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं ले भी नहीं पा रहा, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। और अभी ये फिर से आ रहा है भाई, ये कैसे मुड़ के भाई, सच्ची में यहाँ से अभी आप लोगों को फिर से भागना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोर्ड पे कुछ तो लिखा है जो कि मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉअर भी देखा था, और इसने मुझे फिर से पकड़ लिया। और यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉअर देखा था, और इसके अंदर मुझे एक क्या मिला, एक सेकंड में नाम पढ़ लो, ग्रीन हाउस की मिल चुके हैं जो कि कहाँ पे काम आने वाले हैं, पर कुछ तो मिला है। तो अभी हम लोग फटाफट ही जो अपने टनल से आए थे वही टनल से रिटर्न यहाँ से फटाफट निकलने वाले हैं। और यहाँ पे मैं डोर बंद करने वाला था, पर भाई ने बंद भी करने नहीं दिया। और अभी हम लोग फटाफट चलो अपने जो सीक्रेट टनल है टॉयलेट में, इधर से हम लोग एंटायर होते हैं यहाँ पे, वहाँ से अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और इविलन की तो एंट्री दिखी नहीं यहाँ पे, इविलन अलग रहती होगी लगता है मुझे तो लगता है। तो अभी हम लोग जो फाइनली वही रूम में फिर से आ चुके हैं, और अभी इसको मैं यहाँ पे मतलब कि ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाए भाई, ये एरो को दबाने से ड्रॉप होने वाली है, ओके तो हाँ भाई ड्रॉप हो गई भाई, मस्त स्टाइल में फेंका। और अभी हम लोग फिर से क्लासरूम में जा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ तो और वहाँ से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा क्लासरूम जो कि एक्सप्लोर नहीं करा है। तो अभी हम लोग फिर से वही टनल में आ चुके हैं खुफिया वाली, और यही टॉयलेट के थ्रू हम लोग निकलने वाले हैं। वो वाला फिर से गिरा दूंगा ट्रैपडोर बाजू वाला मेरे, तो फिर से शोर हो जाएगा। और यार मैं फिर से यहाँ पे बातों बातों में ये वाले इधर आ गया, और जब हम लोग पिछली बार ऊपर की तरफ गए थे और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं रास्ता सिर्फ ओके तो यहाँ पे है, चलो यहाँ पे तो है। और यहाँ पे मैं घूमा फिरा के वहाँ पे आ गया ट्रैप डोर से, मतलब भागने के लिए रास्ता और एक डोर था वो जो कि बंद था। और अभी हम लोग, मैं यहाँ पे नहीं आया था, ओके चलो अभी वहाँ पे फिर से मैं घुमा के वही जाता था। पर अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हैं, सेकंड फ्लोर आपको जो बोलना है बोलना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉकर्स बने हुए हैं, तो चलो अभी इस लॉकर्स को ओपन करके एक एक बार से चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग कुछ मिलने भी वाला है या। ओ भाई ये कैसे आ गए पीछे से भाई, एक सेकंड, क्या ही थप्पड़ लगा दी, कब आ गई, कुछ बैकग्राउंड साउंड वगैरह तो दो यार, हॉरर करके टंग वगैरह बजा तो दे यार कुछ तो भाई, एक नाइट तो वेस्ट हो गई भाई, कैसे आ गए यार ये, पत्तमीज है भाई सच्ची में।
थप्पड़ लगा पे गई मुंह पे, फिर से हम लोग मतलब रिस्पॉन हो चुके हैं। और चलो अपने जो खुफिया रास्ता है, ये लोग अभी भी सो रहे हैं भाई, क्या ही शक्ल है इनकी भाई, पूरी बहुत खतरनाक लग रहा है। और चलो अभी हम लोग क्लासरूम में गए थे, तो चलो अभी फटाफट फिर से ना हम लोग क्लासरूम की तरफ चलते। और क्या ही चाटा मारा भाई उसने, मतलब खींच के लगा दिया। और ये चर्च है, और ये बाजू में गार्डन था, और ये क्लासरूम था। तो अभी हम लोग फिर से क्लासरूम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कि फिर से मैं क्लासरूम में आ चुका हूँ। और अभी मैं ये वाले लॉकर चेक कर रहा हूँ, और इसके अंदर मुझे बैग दिख चुकी होगी भाई। मैंने ओके, तो ये बैग ऐसे शो पीस है, हम लोग इससे कुछ ले भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते, तो ये अपने कुछ भी काम की नहीं है। और यहाँ पे क्लासरूम का जिसको कि मैंने चेक करा था या नहीं पता नहीं, पर चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसको मैंने चेक नहीं करा था, पर मुझे लग रहा है कि वैसे, क्योंकि मैंने इसको चेक करा था। पर क्या पता इसके अंदर फिर से कुछ अपने आप ग्लिच वगैरह और कुछ मिल जाए तो बढ़िया सीन रहे। और यही पेंटिंग यहाँ पे पड़ी है, और फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, पागलों जैसे आप लोग बोल रहे हो भाई, चेक कर रहे तभी भी क्यों चेक कर रहा है तू, पर भाई यही होती है लालच। पर अभी मुझे पता चल गया ये लालच है, पर भाई यहाँ से फटाफट ही निकलने वाला, भाई दूर से खोलते भाई, वो कभी कभी भी एंट्री मार लेते, कैसा बदतमीज सा चिकन है भाई इसका, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे अभी एक ये दूसरा क्लासरूम लग रहा है मुझको, हाँ भाई ये दूसरा क्लासरूम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा भी है। और यहाँ पे अभी मेरे को कुछ ज़्यादा बेंचेस नहीं है जिसको कि मैं ओपन कर सकता हूँ, तो ये वाला, ये सेकंड वाला करा, और अभी कुछ बेंचेस है ही नहीं। और यहाँ पे अभी मुझे कुछ गमी की साउंड फिर से यहाँ पे सुनाई दे रहा है, पर भाई प्लीज़ यहाँ पे वो ना आ जाए, और इविल नन तो बिल्कुल भी ना आ जाए, क्या ही लगा दिया भाई चाटा उसने। और यहाँ पे ये वाले क्लासरूम में भी अपना पचका बन गया भाई, कुछ नहीं मिला। और ये एक लाइब्रेरी है क्या, एक्सपेरिमेंट वाली केमिस्ट्री रूम लग रहा है भाई मुझको ये तो। यहाँ पे कुछ मतलब जो बॉटल वगैरह होती है, क्या आप लोग केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो आपको पता होगी। और यहाँ पे एक छुपने की जगह है, और यहाँ पे कुछ तो है जिसको कि मैं अभी बड़ा पढ़ने नहीं वाला हूँ, इसको ऐसे रहने देते पर पढ़ ही लेते यार, सामने दिख रहा है तो वगैरह वगैरह मुँह में जो कि है पढ़ लेते। और यहाँ पे एक फोटो है जो कि अपने कुछ काम का नहीं। और यहाँ पे अपने को क्या मिला, ब्रोकन रूलर, तो इसको भी लेके चलते हैं। और हाँ भाई क्या बताओ, ये अपने वो लीवर की जगह पे बैठ जाए, क्योंकि उसके साइज का लग रहा है मुझको तो। तो हम लोग इसको भी फटाफट लेके जाने वाले हैं, पर उससे पहले हम लोग ढूंढ के भी जाने वाले हैं, क्या पता कौन सी सी जगह पे कुछ मिल जाए। और यहाँ पे तो मैंने पूरा ढूंढ ही लिया था, ये वाला एक बच गया था, नहीं फिर से हाँ ये पूरा ढूंढ लेता, पर एक बार फिर से ढूंढ लेते, क्या पता यहाँ पे कुछ अपने आप फिर से रिकरेक्ट हो जाए। और ये रेड वाले पे तो कुछ मतलब मार्क बना, और ये वाला इधर ये वाला ओपन नहीं होने वाला है। और यहाँ पे इविल नन ने अपने को थप्पड़ लगा दिया था, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लॉकर से यार बड़े बड़े वाले, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता, कुछ कुछ ही ओपन हो रहे हैं, पूरे तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी, यहाँ पे तो बहुत ही सारे यार, इसको मैं मतलब फटाफट ओपन कर लेते, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा देते हैं और फिर फटाफट ओपन करते, क्या पता कुछ मिल ही जाए इसके अंदर। ओके तो गाइज अभी हम लोग एक अलग से और एक क्लासरूम में आ चुके हैं, जहाँ पे कि लाइट ही नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ पे कहाँ से उजाला आया जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो ना बल्ब लगाया ना काई लगाया है, तो खिड़की भी खुली नहीं है। और इसके अंदर हम लोगों को ग्लासेस मिल चुके हैं जो कि विलन के लग रहे हैं, सारी मतलब चश्मे जो हो रखी है डापनी विलन है अपनी, मतलब अभी पूरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ मिलने भी वाला है कि नहीं। वैसे तो हम लोग कुछ मिलने की ज़रूरत नहीं, अपने पास ब्रोकन रूलर है और अपने को ग्लासेस मिल चुका है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, अभी यहाँ पे हम लोगों को कुछ यहाँ तक मिलने नहीं वाला है, तो हम लोग फिर से अपने वाले जो जगह पे चलते हैं, और ये ब्रोकन रूलर को वहाँ पे लगा के एटिक का जो रास्ता था बंद, उसको भी मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं कहाँ से आता कुछ याद नहीं आ रहा है, तो चलो यार हम लोग फटाफट चलते हैं अपने उधर। यहाँ पे जो कि मैं भाई फिर से मतलब कि यहाँ पे आ चुका, और ये स्लॉट खाली था, वहाँ पे ब्रोकन रूलर ही लगना था, और अपना एटिक का भी रास्ता खुल चुका है। और अभी मुझे लगता है कि हम लोगों को फिर से क्लासरूम में जाना चाहिए और चेक करके आ जाना चाहिए कि वहाँ पे कुछ मिलने भी वाला है कि नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ फिर से चले जाते, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ काम का मिलने भी वाला है कि नहीं, मुझे तो लग रहा नहीं है कि कुछ काम का मिलेगा भी नहीं हम लोगों के यहाँ पे। मैं मतलब कब से ढूंढे जा रहा हूँ, कुछ भी काम का नहीं मिल रहा है, पर कुछ कुछ चीज़ें जो कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ तो छोड़ के गया था ग्लासेस, तो मैं ग्लासेस लेने को यहाँ पे, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मिलने वाला है कुछ नहीं। वो एक अलग से क्लासरूम थे, मतलब क्लासरूम में गए इधर थे, जिधर से मैं कि केमिस्ट्री लैब के इधर से चला गया था, कौन सी लैब थी और कहाँ पे थे भाई, ये वाला रूम था ना वो, नहीं भाई ये वाले रूम में तो पूरा उजाला हो रखा है भाई, ये वाला रूम नहीं था, उसमें मतलब अंधेरा था पूरा, और एक ही जगह पे लाइट जल रही थी जहाँ पे टीचर बैठती है। ये रूम कहाँ पे, ये रहा भाई ये वाला रूम था वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम लोगों को ग्लासेस मिले थे, कौन से वाले इसमें, ओके तो ये रहे ग्लासेस। और ग्लासेस को लेके अभी हम लोग फटाफट फिर से जहाँ से आए थे वहाँ पे चलते हैं। उसको भाई क्लासरूम बहुत साफ सुथरा तो रखा है, बच्चों का तो ना
नामो निशान नहीं और टीचर तो है ही नहीं, मतलब नाम के लिए रखा हुआ है क्या? और भाई इतने डरावने क्लासरूम में आएगा भी कौन? हम लोग कैसे फंस गए पता नहीं चल रहा है भाई। तो चलो हम लोगों को यहाँ से एस्केप करना है, तो अभी मैं कहाँ भी जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो अभी हम यहाँ से फटाफट चलते अपने टॉयलेट के थ्रू और नीचे, इवन ना टॉयलेट के अंदर ना मिल जाए भाई, मुँह पर पानी फेंक के मार दूंगा तेरे और तेरे गमी के ऊपर। तो भाई इवन ना यहाँ पे नहीं, अभी हम लोग टनल के अंदर और ट्रैप डोर को हटाए अपने सीक्रेट रास्ते से। और अभी हम लोग आ चुके हैं, नहीं है यार अभी तक नहीं आए, कब एंट्री होने? ओके तो हम लोगों की एंट्री हो चुकी है वही रास्ते पे। और जी इस ग्लासेस को भी मैं यहाँ पे क्या जोर से फेंक दिया, फूट फिट तो नहीं गए ना, तो ग्लासेस को मैंने यहाँ पे फेंक दिया। और अभी हम लोग जाने वाले हैं सेकंड वाले इसमें, मतलब कि गार्डन की तरफ, और देखने वाले वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या सामान काम का मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने अपना सीक्रेट टनल से एंट्री मारी, यहाँ पे गार्डन भी मस्त मस्त, मतलब घास को पानी वगैरह मस्त डालती है और घास भी अच्छी खासी उगा के रखी है। पर क्या करें ऐसी घास में आके, यहाँ पे ऐसी इवन लन हो भाई भैंस की पूछ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम लोगों को पूरा ग्रीन ग्रीन भाई कुछ है कि नहीं, यहाँ पे एक ये रखा है जिसके के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ काम का जल्दी नहीं मिलने वाला, ये डोर से लॉकेट फॉर नीड्स की यहाँ पे की लगने वाली है जो कि पता नहीं कहाँ पे। और ये वाला भी एक रूम था अपने पीछे वाला जिसको कि मैं ओपन कर सकता हूँ, तो चलो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे डोर्स हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और केबल्स है जिसको कि मैं बैटरी अटैच कर टू द केबल्स जो कि अटैच किया मतलब जोड़ी हुई है वो तो दिख रहा है, हम लोग अंधे थोड़ी है। ओके तो गाइस यहाँ पे ये डोर से मैं कोई अलग रास्ते पे आ चुका हूँ जो कि ये वाला डोर तो लॉकेड है और ये वाले डोर से एक अलग में कौन से रूम में आ चुका हूँ जहाँ पे कि हम लोग खेत पे रहते वगैरह, जहाँ पे घास वगैरह और यहाँ पे ग्राउंड है, यू कैन तो यहाँ पे एक जगह है जिसके के अंदर मैं छुप सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं छुप सकता हूँ और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिसको कि मैं खोद सकता हूँ, पर अपने पास शवल नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि शवल से हम लोग ये डर्ट वगैरह वगैरह को हटा के चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ काम का तो मिलने वाला है पर शवल अपने पास तो नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ भाई, मतलब अभी काफ़ी शवल मिलने वाली है, कुछ सब जगह तो चेक कर रहा हूँ पर शवल की नामो निशान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ये एक डोर है जो कि मतलब ब्लॉक है, तो अभी मुझे शवल ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग अपने को शवल ढूंढते हैं, मतलब ढूंढने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे ब्रांचेस है जिसको कि मैं हटा के दूसरी पार जा सकता हूँ, पर ये कुछ हटने का भाई मुझे नहीं हटा रहा है, तुम्हें हटना भाई, इसके नाद में मैं लग जाऊँगा तो मैं यहाँ पे ठहर के मुझे आगे कोई पीट देगा, पीछे से मिलना थप्पड़ मार देगी मतलब कि। और शवल मुझे मिल रही नहीं है, तो मुझे सबसे पहले जाके ढूंढ के शवल ढूंढने हैं, मतलब कि शवल ढूंढते चलो। तो एकदम शाम गाइस यहाँ पे जो कि उसका जो कि अभी गमी चिकन और इविलन यहाँ पे फेरी मारने आ गई थी, और यहाँ पे अभी मैं छुपा था सिर्फ नीचे की तरफ और मुझे वायर कटर्स मिल गए। तो भाई मतलब कि कौन सी भी चीज़ कहाँ पे भी गिरी हो सकती है कुछ मतलब आता पता नहीं है। और यहाँ पे ये वायर कटर्स का यूज़ मुझे पता है कि जो केबल से वहाँ पे उसको ही काटना पड़ेगा, कुछ ऐसा यूज़ होने वाला है। और यहाँ पे अभी मैं ऐसे ये क्या लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि कुछ भी ऐसी गिरी हुई चीज़ हम लोग को मिल सकती है, पर बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी। और अभी भाई ये गमी कैसे आ गया यार फिर से, यहाँ पे हम लोगों को एक छुपने वाली जगह तो पता ही है ऑलरेडी, आपको पता है स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हम लोगों ने चेक करी थी और हम लोगों को मिल गई थी। और यहाँ पे अभी एक जो कि उसका हराम पुर गमी यहाँ पे आ रहा है, और इविल नन भी उसके पीछे ही रहती है भाई, कभी भी ये दोनों साथ में रहते हैं, उसको खबरी है भाई गमी तो पूरा। यहाँ पे देखो ये दोनों भी अभी साथ में, और ऐसे डर लगता है ना भाई कैसे भस करके आ जाती है। और ये गमी भाई उधर, अरे भाई इधर कोई नहीं, हेलो भाई, अरे यार ये पिछली बार भी आके ऐसे चले गया था और अभी तो यहाँ पे रुक गया, तो कोई नहीं यहाँ पे इतने पूछ। देखो भाई पीछे से कैसे खतरनाक सा दिखता है यार, ये बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर लग रहा है मैं मुझको तो भाई गमी। और वो दोनों बाहर निकलते हैं कि नहीं वो तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला है, क्योंकि वहाँ पे अभी फिर से मैं गया ही नहीं। और वो देखो यार ये इविल नन यहाँ पे देखो, मतलब उसको शक हो रहा है यहाँ पे कोई, तो छुप छुप के आए जा रही है और अभी ये दोनों चले गए। और अभी मुझे थोड़ी देर और वेट करके यहाँ से बाहर भी निकलना चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन की ये मतलब अंदर ये भी बताना कि वो दोनों चिकन बाहर निकलते हैं या फिर नहीं भाई, नहीं तो भाई मतलब कि वो दोनों भी निकल गए तो अपनी बैंड में जाएगी तीनों तीनों एक साथ में। और अभी ये लोग चले गए क्या, हेलो एक सेकेंड भाई, ये लोग चले गए क्या, क्योंकि ये लोग अभी मुझे लग रहा है कि चले गए भाई, चले गए ओके तो ये लोग चले गए मुझे लग रहा है भाई ओके। तो ओ भाई मैंने डोर खोला और उसने डोर बंद करा, ऐसे लग रहा है कुछ भी। हम लोग ये वायर्स को देखते हैं, ये कट होती है कैसे, मुझे तो लगता है कट सो ही जाएगी और ये कट भी हो गई। और अभी मैं बैटरी उठाता हूँ और ये इविल नन कैसे आ गई भाई, थप्पड़ मार के चली गई
भाई मतलब क्या ही भाई बदतमीज है ये विलन सच्ची में। मतलब भाई इस गेम में भी बहुत ज्यादा हम लोग संभल के खेलना है और साउंड बिल्कुल भी करना ही नहीं, नहीं तो एक तो गमी आ जाता है, गमी आता है तो एक बार का पीछा छूट जाता है हम लोगों से, उसको हम लोग मार सकते हैं। और ये मैंने अभी चेक कर रहा हूँ और ये दोनों देखो भाई कैसे साथ में सोते हैं, वो कैसे सो रहा है भाई, बात साथ ही नहाते हो कि नहीं भाई तुम दोनों भाई, ये सब बातें छोड़ो। पर अभी हम लोगों को फिर से गार्डन में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्या मिला था, हवा से हम लोगों को बैटरी लेके आनी है। और अभी हम लोग चलो फिर से गार्डन में चलते हैं और यहाँ पे तो एटिक है और ये एटिक में जाओगे एक्चुअली, चलो एटिक में जाके चेक करके आ जाते हैं कि एटिक में वैसे है भी और क्या। यहाँ पे तो मैं अभी एटिक में आ चुका हूँ और यहाँ पे सामने दरवाजा मिल गया, चलो भाई आते ही एंट्री मार देंगे फुल इविल नन। नहीं हेलो भाई इविल नन नहीं हो, इविल नन नहीं है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही हॉरर वाला सीन लग रहा है, यहाँ पे कबाड़ से जिसके के अंदर मैं छुप सकता हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ दो तरफ से सीढ़ियाँ जा रहे हैं और ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इविल नन हम लोगों को यहाँ से आराम से पकड़ सकती है। और मुझे क्रोबार मिल गया भाई, सब गेम में जो मेन चीज़ होती है क्रोबार, जिससे खोल के हम लोगों को सब चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे एक रूम है जिसके के अंदर ड्रॉवर है जिसके अंदर भी कुछ नहीं मिला भाई, पचका बनने जा रहा है। कबाड़ को खोल के देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही बदतमीज सा गेम है यार, बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाला है भाई ये गेम का सीरीज मतलब हम लोगों का। और यहाँ पे मतलब छुपने के लिए जगह है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ड्रॉवर्स है जिसको कि मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ फटाफट। पर ये गेम के कंट्रोल्स भी ना इतने धीरे होते हैं ना भाई, एक को करने जाओ तो वही वाला फिर से खुल जाते हैं। देखो अभी अभी ये वाला चेक करा, यहाँ पे कुछ सीन है टेलीस्कोप है यू टेलीस्कोप विद दिस आइटम, मतलब यहाँ पे कुछ सीन है जिसके अंदर कुछ आइटम लगाने हैं और लॉस के वो ओके। तो मुझे जो बैटरी मिली है वो यहाँ पे लेके लगा देनी है जिससे कि कुछ यहाँ पे सीन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है मेटल डेडिकेटर कुछ तो मिला है और इससे साउंड हो चुका है क्रिएट। और अब इसको मैं फेंक के क्रोबार को उठा के फिर से अपनी जगह के लिए फटाफट निकल जाता हूँ भाई। चलो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा वाला साउंड करा हुआ मैंने और वो चीज़ क्या काम की है पता नहीं, कॉमेंट में बता देना। वैसे तो मैं फिर से वही जगह पे आ चुका हूँ और मैंने क्रोबार ड्रॉप करा है और अभी डायरेक्ट मैं चर्च के लिए निकलने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ क्योंकि हम लोगों ने एटिक क्लासरूम गार्डन तीनों भी चेक करे, सिर्फ चर्च बच रहा था। और चर्च के लिए मुझे लगता है ट्रैप डोर से जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये ट्रैप डोर से हम लोग अभी चलते हैं। और सामने की तरफ ये यहाँ पे भी दो दरवाजे और चर्च भाई इतना मस्त बना रखा है इसने, ब्यूटीफुल भाई चर्च एकदम बढ़िया बना रखा है। और अभी इसको मैं ओपन करके अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे एक है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे भी एक रूम है जिसको कि मैं ओपन करके चेक करूँगा। पर कुछ नहीं मिलता है इन लोगों के रूम में यार, सच्ची में सिर्फ शो पीस के लिए गेम बना के रख दिया है तो जल्दी मिल रहा ही नहीं हम लोगों को। यहाँ पे तो भाई पूरा डेकोरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे चेस्ट है यू कैन ओपन हैज पैडलॉक, यहाँ पे कोड लगने वाला है, कोड कहाँ से मिलने वाला है। और हाँ भाई स्टार्टिंग में मुझे एक कोड मिला था जहाँ पे की विलन और गमी सोते हैं, वो कोड मुझे याद नहीं है, वो मैं बाद में देख के इसमें डाल देते हैं अभी हम लोग मतलब फटाफट। पर सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सीन है और क्या क्या नहीं है, ऊपर की तरफ चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे भाई एक सेकंड इविलन नहीं है ये कोई और है, और जो कि भाई इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई जा रही है मैं पागल है क्या। कैन ओपन विंडो शील सी यू, मतलब कि ओपन नहीं कर सकते विंडो को, वो अपने को देख लेगी और अपने बदतमीज से इविलन को बुला लेगी। और इविलन का मुझे साउंड सुनाई दिया है, वो जब आती है ना तब टंग करके कुछ तो बचता है और वही अभी बचा है। और इविलन आ रही है पक्का भाई, यहाँ पे इविलन है, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ काफी ओके। तो यहाँ से मैं ट्रैप डोर से आया था और यहाँ से अभी फटाफट अपने जो सीक्रेट टनल है। और ये क्या हुआ भाई इविलन आ गई, नहीं 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 भाई लास्ट डे, अबे यार थप्पड़ पड़ गया फिर से। और अपने पास ही लास्ट डे था, ये भी इविलन ने मार दिया भाई सच्ची में। और अभी लास्ट वाला एनिमेशन देखने को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ये कुछ खिलौने मतलब ही लगाए और उसके मुर्गे, और ये क्या गाना गा रही है यार बकवास सा, ये मुर्गे की आँख वगैरह भाई क्या खतरनाक सा गेम है भाई। पर मैं इसका अगला वीडियो डालूंगा तो स्किप वाला ही डालूंगा भाई, मुझे लगा था मैं स्किप कर लूंगा पर क्या मैंने इसको खेला नहीं, डायरेक्ट मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया गेम प्ले। पर इसकी जीप भी निकल रही है पेट से भाई, कैसा सब मुंह है भाई इस मुर्गे का गमी का, पीछे वाले तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं गमी से भी। और ये हम लोगों को कुछ अभी जादू टोना वाला सीन लग रहा है यार, मुझको तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, मतलब अभी बहुत मतलब की। और अभी चलो यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो सीरियसली वीडियो को लाइक कर देना और लाइक तो कर ही देना अच्छी लगी होगी तो। चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, इविलन ने आग लगा दी है, आप लोग भी आग लगा दो सब्सक्राइब करके, नहीं आग मत लगाना बुरी बात है, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को।
और मैं सेट कर लो ताकि आप देखो ऐसी मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ऐसी अपने फ्रेंड्स और सब में वायरल कर दो आज के आज। और कमेंट में बताना कि भाई कैसा था कैसा नहीं, जो कुछ भी कमेंट में बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.